अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं इस मुकाम पे इसलिए आया हूँ कि आज राहुल गांधी जो थे हैं आज हमारे पांजीपारा में आ रहे हैं, जो कि अभी कालीबाड़ी है। कालीबाड़ी में है, जो इस्लामपुर से आते हुए पांजीपारा से आते हुए जाएंगे किशनगंज बिहार। तो गाइस इसीलिए हम आज आपको दिखा रहे हैं कि आज क्या है। अभी थोड़ी देर में राहुल गांधी आने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी को। वो सब देखने के लिए तैयार हो चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए हैं और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। मैं आपसे आहिस्ता आहिस्ता सबसे इंटरेस्ट भी कराऊंगा, एक्स एमएलए और के जिला परिषद वगैरह सबसे मिलाऊंगा। और अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं राहुल गांधी, फिर मैं आपको राहुल गांधी को दिखाऊँगा। तो ये हमारे साथ राहुल गांधी का एक बड़ा सपोर्टर है, आप क्या बोलेंगे? राहुल गांधी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। राहुल गांधी आज आ रहा है पांजीपारा बाजार में, न्याय यात्रा करेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मजलूमों की आवाज़ बनके वो आएंगे और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको संबोधित करके चले जाएंगे किशनगंज बिहार। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ कितने लोग उनके लिए जुड़े हैं। तो एक्स एमएलए है, उनको थोड़ा बोलेंगे कि आप थोड़ा कुछ बोले राहुल गांधी के बारे में। क्या कैमरा है? राहुल गांधी आने वाले हैं, नहीं बोलेंगे। न्याय यात्रा में पूरे देश का समर्थन है। इसी तरह अब हमारे पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में राहुल गांधी का न्याय यात्रा आ रहा है। हम लोग शामिल करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए पांजीपाड़ा में हजारों की तादाद में लोग आकर यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और इस लड़ाई में हम लोग सब शामिल है राहुल गांधी के साथ, कदम से कदम मिला के लड़ने के लिए। थैंक यू। तो हमारे एक्स एमएलए ने कुछ बोला कि उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग सब साथ हैं। उनका बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी आएंगे, फिर मैं आपको राहुल गांधी से भेंट कराऊंगा। तो अभी राहुल गांधी कुछ ही देर में हमारे पांजीपारा में पहुंचने वाले हैं। तो मैं एक दो चार एमएलए जो कि उनका बहुत सपोर्टेड कांग्रेस के नेता वगैरह है उनसे मिलता हूँ। चोपड़ा, रामगंज, तारपुर, पांजीपारा, रायशाल, भंगतला, एत मानुषर भीड़, शीत उपेक्षा करे हमारा सभापति हमारा खुशी এবং মানুষ চেয়েছিল রাহুল গান্ধী যে আমাদের জেলা আসুক। টাইমটা যদিও অনেক আগে, শীতের রাত্রে, কুয়াশা, শীতের বেলা, সকাল কুয়াশা, তা সত্ত্বেও উপেক্ষা করে মানুষ যে আছে ভালো দেখেছে। আমরা জেলা কংগ্রেস থেকে সাধুবাদ এবং সালাম জানাই এবং আজকে চোপড়াবাসী, ইসলামপুর শহর এবং গ্রামবাসী, পাঞ্জিপাড়া এলাকাবাসী, সবকে জেলার ইসলামপুর মহকুমাবাসীকে আমরা জেলা কংগ্রেস থেকে সাধুবাদ জানাই, সালাম জানাই, স্যালুট জানাই। আজকে অভূতপূর্ব সারা দিয়ে রাহুল গান্ধীজিকে যেভাবে সম্মান দেখেছেন আমরা জেলাবাসী হিসাবে এবং আমরা জেলা কংগ্রেস থেকে আমরা সভাপতি খুশি। তো সাথ ভাইকে পাশ আবি হাম যায়েঙ্গে কুছ বাত করেঙ্গে, ও কংগ্রেস কা জীবন নেতা হ্যায়, সো উনসে পুছতে হ্যায় রাহুল ক্যা বোলেঙ্গে। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आज हम लोग ग्वालपोखर पांजीपाड़ा के सरजमीन पर हजारों हजार के तादाद पर पूरे ग्वालपोखर वासी आज जो है यहाँ पर जमा हुए हैं श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं अन्याय के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, इस ठंड के मौसम में पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये हमारे राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी के स्वागत में हम लोग हजारों के तादाद पर, हमारे किसान ब्लॉक प्रेसिडेंट दयान भाई है, हम हैं, निषाद भाई है, यहाँ साजन भाई है, शाहनवाज है, सद्दाम है और भाई साहब, ये लोग सब लोग हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम लोग तमाम लोग राहुल गांधी जी, यानी कि जहाँ ना इंसाफी हो रहा है, इंसाफ कैसे मिले, उनके साथ हम लोग शाहनवाज शाना खड़े हैं। आज बहुत खुशी हो रही है कि पूरे ग्वालपोखर के 3.5 लाख की आबादी, 3.5 लाख पूरे लोग, ग्वालपोखर के लोग आज जो है आए हैं स्वागत करने के लिए श्री राहुल गांधी जी का, बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इसने जो भी अच्छा, बहुत ही अच्छा कहा और हम लोग भी सब साथ हैं, उनके साथ है। Thank you.
दोनों साइड दे दिए गाड़ी। पीछे 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 भाई। हाय देख हम लोग आपने देखा भाई, बहुत ही भीड़ था राहुल गांधी को देखने के लिए पूरा। यार मैं ऐसे कैसे वीडियो किया यार, भाई बहुत भीड़ था भाई। राहुल गांधी आया और चला भी गया, मैं आपको राहुल गांधी को दिखा दिया। गाइस ज़्यादा भीड़ है और राहुल गांधी आया और चला गया, सभी दर्शकों को खुश करके उसने सबको हाय किया और चला भी गया। बहुत ही खुशी हुआ हम लोगों को, दर्शक उनको देखने के लिए बहुत ही तड़प रहे थे, उतावला हो रहे थे। और अभी राहुल गांधी चले गए और अभी हम भी जा रहे हैं घर। ठीक है गाइस, अब मैं अपना ब्लॉग बंद करता हूँ अभी। अब राहुल गांधी चले गए, किशनगंज पांजीपाड़ा से निकल गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे ब्लॉग को आगे शेयर कर दें ताकि आगे जनता देख ले। भारत जोड़ो यात्रा को इस बार कामयाब बनाना है।